ये देखिए इस समय हम दिल्ली नंद नगरी, पूर्वी दिल्ली नंद नगरी, पूर्वी दिल्ली नगर निगम प्रतिभा विद्यालय नंद नगरी में है। शाम का वक्त हो चुका है। यहाँ पर यह जो पानी बह रहा है ये दिल्ली जल बोर्ड का है, दिल्ली जल बोर्ड का है। दिल्ली जल बोर्ड का जो पानी चल रहा है ये यहाँ पर एक हफ्ता हो गया और सुबह शाम में लाखों लीटर पानी बहता है, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा हो रखा है जिससे कि कोई भी किसी की जान माल को खतरा हो सकता है। ये देखिए कितना बड़ा गड्ढा है और इसकी लंबाई भी बैठेगी 10 फुट और इसकी गहराई भी बैठेगी कम से कम 6 फुट के लगभग। ये मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं पूरी तरीके से और ये जो है ना यहाँ पर एक जो है ना शौचालय भी बना हुआ है जिस पे नशा मुक्ति लिखा हुआ है। और यहाँ ये जो गड्ढा है ये दिख रहा है गड्ढा पूरी तरीके से है ना, ये देखिए फुल तरीके से दिख रहा है। अच्छा और हम बताते हैं यह जो पानी चल रहा है ये जो गड्ढा है एक हफ्ता हो गया यहाँ से, एक हफ्ते से ऐसे ही पानी चल रहा है रोड पर। सुबह जब स्कूल के लिए बच्चे आते हैं तो बच्चों को पानी में होके निकलना पड़ता है और इस पानी में बच्चों को ठंड में कपड़े भी गीले हो जाते, जूते गीले हो जाते। इसकी कंप्लेंट जनवा टाइम्स के द्वारा 20 जनवरी को की गई थी, 20 जनवरी को की गई थी कि यहाँ एक हफ्ते से गड्ढा खुदा हुआ है पानी चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ तक कि इसे और चौड़ा करके खोल के डाल गए हैं जल बोर्ड के कर्मचारी, जिससे ना कोई इसे कवरिंग की गई है किसी तरीके से, ना इसको किसी तरीके से बंद किया गया है। यदि इसमें कभी हो सकता है कोई हादसा हो जाए, कोई रात को आ भी निकलते समय या लाइट ना हो अंधेरे में कोई निकल जाए गड्ढे में चले जाए तो उसकी पूरी तरीके से जान जा सकती है। दिल्ली सरकार, दिल्ली बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड है उसके कानों पर बिल्कुल भी चू नहीं रेंग रहा है, पूरी तरीके से सुस्त है और सोचते हैं होने दो कंप्लेंट। उन्होंने एक सीवर भी खोल रखा है, देखिए ये सीवर खोल रखा है, ये सीवर में पूरा पानी सीवर में भी जा रहा है, रोड पर भी बह रहा है। और अगर सीवर का ढक्कन खुल जाए भाई देखिए तो इसमें कोई आदमी, कोई बच्चा, कोई भी जा सकता है, किसी की भी जान को खतरा हो सकता है। अब आप देख लीजिए किस तरीके से ये पानी का दुरुपयोग हो रहा है, जो कर्मचारी पूरी तरीके से दुरुपयोग करवा रहे हैं और क्षेत्र की जनता परेशान है पानी के लिए, क्योंकि उन्हें साफ पानी चाहिए और यहाँ से गंदा पानी और चला जाता है। बताइए चुनाव का वक्त है और किस तरीके से जल बोर्ड के कर्मचारी इस पानी को पूरी तरीके से बहने का बहता जा रहा है, इंतज़ार कर रहे हैं कि खूब बहे, हमें कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ इस तरीके कि ये देखिए उस गड्ढे में कितना गंदा पानी है, ये देखिए काला काला सा दिख रहा है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसमें कोई भी अगर चला गया तो उसकी जान नहीं बचेगी, सर्दी के कारण मर जाएगा और पानी से भी मर जाएगा। क्योंकि इसलिए ये हम ये जो न्यूज़ जनवाद टाइम्स के न्यूज़ रिपोर्टर जब निकले तो उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत दिनों से चल रहा है, तो इसका जो है ना वीडियो बनाया गया है और इस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, उन कर्मचारियों पर भी होनी चाहिए जिन्होंने यह लापरवाही की गई है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।